क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5s प्लस 3 अपॉन s माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 5s प्लस 3 अपॉन s माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया, a अपॉन s माइनस 1 प्लस बी एस प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। तो यहाँ से यहाँ इसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, हिंदी में आंशिक भिन्न। a के साथ इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा, बी एस प्लस 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, ए के साथ सभी का मल्टीप्लाई होगा, बी एस के साथ सबका मल्टीप्लाई होगा, सी के साथ, फिर एस स्क्वायर का कोफिशियंट अलग किए, एस का कोफिशियंट अलग किए, कांस्टेंट हम अलग किए। अब बोथ साइड हम कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ए प्लस बी, राइट साइड में एस स्क्वायर नहीं है तो इसका ए प्लस बी इक्वल टू जीरो आएगा। यहाँ पर एस का कोफिशियंट है 2a माइनस बी प्लस सी, यहाँ एस का कोफिशियंट 5 है तो कंपेयर करेंगे तो इसका वैल्यू 5 के इक्वल आएगा और इसका वैल्यू 3 के इक्वल आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें a का वैल्यू मिल रहा है 1, b का वैल्यू मिल रहा है माइनस 1 और c का वैल्यू मिल रहा है 2। a, b, c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, ये a, b और c की वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये 5 को हम लिख रहे हैं प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा s प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पर हमने प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया क्योंकि नीचे s प्लस 1 है तो ऊपर भी s प्लस 1 होना चाहिए फार्मूला के लिए। तो हमने यहाँ पर s प्लस 1 लाने के लिए प्लस 1 और माइनस 1 किया, इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ माइनस रहे माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी 2 है तो 3 अपान आ जाएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब हम बोथ साइड लाप्लास इनवर्स ऑपरेट करेंगे, इसमें लाप्लास इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो तीनों में लाप्लास इनवर्स ऑपरेट करना होगा, तो हम लाप्लास इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं इस प्रकार से। अब आप देखिए लाप्लास इनवर्स तीनों में ऑपरेट हो जाएगा, इसका लाप्लास इनवर्स का फार्मूला होगा e की पावर t, क्योंकि ये फार्मूला आप याद रखिए लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस a e की पावर at होता है, या a के वैल्यू 1 है तो e की पावर t आएगा। इसका लाप्लास इनवर्स होगा e की पावर at cos bt वाला फार्मूला लगाइए तो e की पावर माइनस t cos 2t आएगा, a के प्लेस में माइनस 1 है और b के प्लेस पे 2 है। और इसका जो लाप्लास इनवर्स होगा इस फार्मूला से आएगा e की पावर माइनस t sin 2t अपॉन 2। इस प्रकार से ये लाप्लास इनवर्स के फार्मूले आपको याद रखने हैं तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाओगे। ये हमारा आंसर हुआ।